शिविर में एनडीए उम्मीदवार लवली आनंद के समर्थकों ने उन्हें लड्डू और दही से तोलकर अपनी खुशी जाहिर की और जीत का आशीर्वाद दिया। बिहार काराकाट लोकसभा सीट सुर्खियों में बनी हुई है। इस सीट पर एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ निर्दलीय खड़े होकर भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने टेंशन बढ़ा दी है। सोमवार को वोटिंग के दौरान मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में हुए बवाल को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुंगेर में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर हम लोगों ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। मोदी के पार्थिव देह को विशेष विमान से पटना एयरपोर्ट लाया गया। उनका अंतिम संस्कार पटना के दीघा घाट पर हुआ। बता दें कि सोमवार रात दिल्ली एम्स में सुशील मोदी का निधन हो गया था। पूर्व मुख्यमंत्री और सह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोनबरसा प्रखंड में बुधी स्थित जागेश्वर उच्च विद्यालय के प्रांगण में चुनावी सभा को संबोधित किया। सुशील मोदी के निधन से राजनीतिक जगत में शोक की लहर। उपेंद्र कुशवाहा ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर किया हमला। केके पाठक के सख्ती के बाद भी टीचर कर रहे लापरवाही। सीएम नीतीश कुमार ने मधुबनी में सभा को संबोधित किया। लालू यादव ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर की भविष्यवाणी। मतदान से पहले कैमूर में ग्रामीणों ने किया वोट का बहिष्कार। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी के निधन से पूरी राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। उनके निधन की सूचना जैसे ही बीजेपी नेताओं को मिली, चारों ओर मातम छा गया। 1974 के जेपी आंदोलन से उपजे इस नेता के सहयोगी रहे केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने दुख जताते हुए कहा, मित्र ही नहीं मेरे भाई थे सुशील मोदी। उनके असामयिक निधन ने मन पर गहरा आघात पहुंचाया है। काराकाट लोकसभा सीट से एनडीए कैंडिडेट उपेंद्र कुशवाहा ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। पटना में पीएम नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर तेजस्वी के बयान पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि तेजस्वी यादव अपने पिता की तरह मस्खरे हो गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने 400 सीट पार पर केंद्र में एनडीए सरकार बनने का भी दावा किया। शिक्षा विभाग के कड़क सचिव के पाठक के आदेश पर सरकारी स्कूलों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। इस दौरान निरीक्षण अधिकारियों को कभी कभी विवादों का भी सामना करना पड़ रहा है। निरीक्षण के दौरान 6 शिक्षक स्कूलों में गायब मिले। अब उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। उनके वेतन पर रोक लगा दी गई है। उन्हें 24 घंटे के भीतर जवाब देने को कहा गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मधुबनी में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए लालू राबड़ी पर निशाना साधा। सीएम मधुबनी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अशोक यादव के पक्ष में वोट मांगने के लिए पहुंचे। सीएम ने सभा को संबोधित करते हुए बिना नाम लिए लालू परिवार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम लोगों के उम्मीदवार के साथ कोई बाएं दाएं गड़बड़ी कर रहा है, चुनाव के बाद उससे मुक्ति ले लेंगे। इस दौरान सीएम ने कहा कि हमसे पहले 15 साल जिनको मौका मिला, उन्होंने 7 साल खुद और 7 साल पत्नी को सीएम बनाया, लेकिन कोई काम नहीं किया। ऊपर से 9 बाल बच्चा पैदा कर दिया। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि पाटलिपुत्र से मीसा भारती को वोट देकर विजय बनाइए, पक्का मोदी की सरकार इस बार जाएगी। पड़िया से नरेंद्र मोदी की विदाई की तैयारी कीजिए। इस वर्ष महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आप लोग बड़े पैमाने पर महागठबंधन को मतदान करके मोदी को चूना लगा दीजिए। उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश अब सत्ता में नहीं आने वाले। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि बगैर जमाबंदी और होल्डिंग के जमीन की खरीद बिक्री नहीं हो सकती। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार सिंह की पीठ ने समीउल्ला की ओर से दायर एमएलसी पर सुनवाई की। लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण में बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान हो गया। मुंगेर, बेगूसराय, उजियारपुर, समस्तीपुर और दरभंगा में चुनाव हुए। चौथे चरण में 55 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। इनमें 4 महिला प्रत्याशी भी हैं। चौथे चरण में कुल 21 प्रत्याशी निर्दलीय किस्मत आजमा रहे हैं। वोटिंग समाप्त होने के बाद चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोटिंग के बारे में जानकारी दी। बिहार के गोपालगंज लोकसभा सीट के लिए छठे चरण में 25 मई को मतदान होगा। इसके लिए प्रचार प्रसार अभियान अंतिम चरण में पहुंच चुका है। महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव और मुकेश सैनी ने वीआईपी उम्मीदवार प्रेमनाथ चंचल के लिए वोट मांगे। इस दौरान दोनों पीएम मोदी पर बरसे। मुकेश सैनी ने कहा कि बीजेपी एक्टिंग कर रही है, पीएम मोदी शाहरुख और सलमान खान को एक्टिंग करने में फेल कर देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग गोपालगंज के हैं, हमारा घर फुलवड़िया और ननिहाल सेलर कला का है।
हम लोगों को बीजेपी वाला कोशिश करता है कि झुका दे, कैसे भी झुक जाए, उनसे डर जाए, केसीडी और सीबीआई करवाता है, लेकिन आज तक गोपालगंज के धरती पुत्र लालू यादव बीजेपी के आगे झुके नहीं हैं। जब लालू यादव नहीं डरे तो उनका लड़का भी नहीं डरने वाला। हम बिहारी हैं और बिहारी को गुजराती को डरा देगा। जब तक उन्हें सत्ता से बेदखल नहीं कर देते तब तक चैन से नहीं बैठने वाले। पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ रही मीसा भारती के नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग में तेज प्रताप यादव ने अपने ही पार्टी के प्रदेश महासचिव केडी यादव को धक्का दे दिया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। अब तेज प्रताप यादव ने खुद इस पर सफाई दी है। सासाराम लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत कैमूर जिले के कुड्डी गांव के ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। ग्रामीणों ने गांव में हाई स्कूल नहीं होने से नाराजगी जताई और साफ कहा कि हाई स्कूल नहीं तो वोट नहीं। शिवहर से एनडीए उम्मीदवार लवली आनंद के समर्थकों ने उन्हें लड्डू और दही से तोल कर अपनी खुशी जाहिर की और जीत का आशीर्वाद दिया। इस दौरान लवली आनंद ने भी लोगों द्वारा दिए गए प्यार को सूद समेत वापस करने की बात कही। बिहार कारागार लोकसभा सीट सुर्खियों में बनी हुई है। इस सीट पर एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ निर्दलीय खड़े होकर भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने टेंशन बढ़ा दी है। पवन सिंह बीजेपी के सदस्य हैं लेकिन बिना पार्टी से इस्तीफा दिए उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया है। ऐसे में अब उन पर पार्टी की ओर से कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या समय रहते पवन सिंह अपना नामांकन वापस लेंगे। सोमवार को वोटिंग के दौरान मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में हुए बवाल को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुंगेर में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर हम लोगों ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। तेजस्वी ने घटना के बाद अनंत सिंह की पेरोल पर सवाल उठाए। तेजस्वी यादव ने मुंगेर लोकसभा सीट पर वोटिंग के दौरान बवाल हुए को लेकर बिना नाम लिए अनंत सिंह को जिम्मेदार ठहराया। तेजस्वी ने कहा कि आप जान सकते हैं कि लोगों को क्यों पेरोल दिया गया, इसी काम के लिए दिया गया है। जो जंगल राज चलाते हैं वही जंगल राज कायम करना चाहते। सुशील मोदी का पार्थिव शरीर दिल्ली से पटना पहुंच गया है। मोदी के पार्थिव देह को विशेष विमान से पटना एयरपोर्ट लाया गया। उनका अंतिम संस्कार पटना के दीघा घाट पर किया गया। बता दें कि सोमवार रात दिल्ली एम्स में सुशील मोदी का निधन हो गया था। वह कैंसर से जूझ रहे थे और पिछले एक महीने से एम्स में भर्ती थे। पूर्व उप मुख्यमंत्री और सह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोनबरसा प्रखंड के भूथी स्थित जागेश्वर उच्च विद्यालय के प्रांगण में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने संबोधन देते हुए पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर युवाओं को 1 करोड़ नौकरी और इसके अलावा गरीब माता बहनों को 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष देने का वादा भी किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और गरीब माता बहनों के खाते में 1-1 लाख रुपए प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। साथ ही अग्निवीर योजना को समाप्त करके पहले की तरह सेना की बहाली कराई जाएगी। बिहार में लोकसभा चुनाव का चौथे चरण की वोटिंग हो चुकी है। छपरा में 5वें चरण का चुनाव 20 मई को होना है। उससे पहले लालू प्रसाद की राजद पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। मंगलवार को आरजेडी नेता और छपरा के पूर्व विधायक रणधीर सिंह ने अपने समर्थकों के साथ नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में शामिल हो गए।